मणिपुर में तीन महिलाओं के जबरन कपड़े उतरवाकर उन्हें नग्न हालात में घुमाया गया। घटना 4 मई की थी। वीडियो 19 जुलाई की रात से इंटरनेट पर वायरल होना शुरू हुआ, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है कि मोदी चुप्पी साधे रहे, तो पीएम मोदी ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। उधर सुप्रीम कोर्ट की भी चुप्पी टूटी। उसने कहा कि अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो हम एक्शन लेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस मणिपुर में पिछले 2.5 महीनों से हिंसा चल रही है, 150 लोग मारे जा चुके हैं, कई तस्वीरें सामने आई हैं आगजनी की, लोगों के मरने की, इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? इस घटना के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? आइए इस वीडियो में इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। मणिपुर पिछले 2.5 महीनों से हिंसा का शिकार है। यहाँ मैती और कुकी दो समुदाय के बीच विवाद अब महिलाओं की आबरू तक आ पहुंचा। दो समुदाय के बीच की लड़ाई में हथियार महिलाओं को बनाया गया। 4 मई को थाउबल जिले के गांव में 800 से 1000 मैतेई समुदाय के लोग हमला करते हैं। घबराए गांव वाले जंगलों और खेतों की तरफ भागते हैं, जिसमें तीन महिलाओं को बचाकर पुलिस स्टेशन ले आती है। लेकिन ये लोग स्टेशन से ही पुलिस से छुड़ाकर इन महिलाओं को अगवा कर लेते हैं। ये लोग पहले एक पुरुष की हत्या कर महिलाओं को कपड़े उतारने पर मजबूर करते हैं। 21 साल की एक लड़की का गैंग में बलात्कार किया जाता है, जिसे बचाने उसका 19 साल का भाई आया तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। फिर महिलाओं को सड़क पर सरेआम बिना कपड़ों के नग्न हालात में इनकी रैली निकाली जाती है, वीडियो बनाया जाता है, जिसका वीडियो 2.5 महीने बाद 19 जुलाई की रात से इंटरनेट पर वायरल होता है। वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद ही एक गिरफ्तारी भी हो जाती है। इस वाक्य से 30 जून की एक तस्वीर याद आती है, जब मणिपुर सीएम इस्तीफा देने जा रहे होते हैं कि महिलाएं उनके इस्तीफे के खिलाफ मोर्चा खोल देती हैं। बड़ी तादाद में सीएम वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे का विरोध किया जाता है, और तो और कैमरे के सामने ही एक महिला मुख्यमंत्री का इस्तीफा फाड़ देती है, और इस तरह से सीएम वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा टल जाता है। जिन महिलाओं ने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाई, उन्हीं महिलाओं को मणिपुर सीएम क्यों ना बचा सके। मणिपुर की महिलाओं को भरोसा था कि सीएम वीरेंद्र ही एक बेहतर उपाय है मणिपुर हिंसा विवाद के लिए। अगर वीडियो सामने ना आया होता तो शायद इस हैवानियत का पता भी न चल पाता। और तो और क्या मणिपुर पर पीएम मोदी की चुप्पी भी न टूटती? और क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ध्यान मणिपुर पर जाता, जिसे पिछले 3 महीनों से इग्नोर किया जा रहा था? जब पुलवामा में 40 जवानों की शहादत का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया गया, तो अपने ही देश के एक राज्य को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 28 और 29 जून को राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर जाते हैं, रिलीफ कैंप में महिलाओं से मुलाकात करते हैं, सरकार पर निशाना साधते हैं कि उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, मणिपुर की समस्या को दबाया जा रहा है। मणिपुर के हालात आंखों से देखने के बावजूद भी राहुल गांधी या विपक्ष सरकार के खिलाफ कोई मोर्चा क्यों नहीं खड़ा करते कि मणिपुर के हालात ठीक नहीं है, वहां पर ध्यान दिया जाए, एक्शन लिया जाए? क्यों नहीं बने राहुल गांधी मणिपुर की आवाज? क्यों विपक्ष ने अपना काम नहीं किया? सरकार की कमियों को बाहर लाना ही आखिर विपक्ष का काम है। यह एक सवाल मीडिया पर भी खड़ा होता है कि करीब 3 महीनों से देश के एक राज्य में लगातार हिंसा चल रही है और मीडिया उसे कवर करने में नाकामयाब साबित होती है। सबसे बड़ा सवाल तो समाज पर, जो महिलाओं को समाज के अंदर रहने की सलाह देता है कि महिलाएं समाज के अंदर रहेंगी तो सुरक्षित रहेंगी, लेकिन जब वही समाज ऐसी हैवानियत की शक्ल ले ले तो महिलाओं के लिए फिर कौन सा समाज बनाया जाएगा? क्यों नहीं समाज के पुरुषों को महिला की गरिमा की अहमियत समझाई जाती है, ताकि किसी भी भयानक हालातों में एक औरत को बदला लेने का औजार ना बनाया जाए, उसे बेआबरू करके सरेआम यूं तार तार ना किया जाए? क्या मणिपुर की इस घटना के लिए सभी बराबर के जिम्मेदार हैं? NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।